कर, एग्जिट कर, एग्जिट कर, चलो एग्जिट कर। हेलो भाई लोग, क्या हाल सबके। तो आ गई है एक और नई वीडियो जिसमें आज हम बताएंगे PUBG मोबाइल की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो वो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर जहाँ भी आपको लगे ये वीडियो इम्पोर्टेंट है आपके लिए या जहाँ भी आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ बाइक राइड और जो भी मतलब आप व्हीकल यूज़ करते हैं मोस्टली, जैसे बहुत ख़राब एरियाज़ होते हैं जैसे रियूंस वगैरह, और मोस्टली हम स्प्रे वगैरह खा के गाड़ी से उतार दिए जाते हैं एनिमी के द्वारा, या फिर मतलब कोई भी मतलब कार वगैरह अटक जाती है, हम पे कोई और व्हीकल नहीं होती है, जोन फाइट होता है, या कार को व्हीकल किसी भी व्हीकल को मास्टर कैसे करना है और जिससे कि ना कहीं पर वो व्हीकल ठुके और ना ही कुछ हो, बिल्कुल परफेक्ट हो जाए ड्राइविंग में, जिससे कि मोस्टली मतलब ये रहता है कि व्हीकल हमारे पास होना ही होना चाहिए। मतलब जो भी मतलब प्लेटिनम वगैरह पे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब डायमंड क्राउन एस तक जब पहुंच जाते हैं तो एस कॉन्करर वगैरह पे काफ़ी ज़रूरत पड़ती है कि एक व्हीकल हो जिससे हमेशा मूव करें, और बल्कि स्क्वाड के साथ व्हीकल होना बहुत नेसेसरी इसी होता है क्योंकि ओपन में कोई भी स्क्वाड मोस्टली ये प्रोवाइड मतलब ये रिकमेंड नहीं करती है कि ओपन में भागो, ना ही कोई बंदा रिकमेंड करेगा कि ओपन में अपनी स्क्वाड को लेके जाओ क्योंकि स्प्रे इजीली दिया जा सकता है वहाँ से, तो इसलिए व्हीकल की ज़रूरत पड़ती पड़ती है। तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पर आराम से ईजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना कार्स और कोई भी व्हीकल पकड़ के जिसे भी आप मास्टर करना चाहते हैं वहाँ पे मास्टर करके। बिल्कुल ये रियून से भी ख़तरनाक रिजेज हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे आराम से कार बाइक व्हीकल बगी और मीरामार्स की भी व्हीकल चला सकते हैं। मीरामार की हैंडलिंग ही अलग है, लेकिन ये इन्हें फुर्सत मिले अब ऐसे ये ऐसी बिल्कुल बेकार स्किन देने से तब तो ये ढंग की चीज़ बेसिक रिकमेंडेशन पे गौर करें ना कि मतलब क्या इम्प्रूवमेंट लाने हैं, लेकिन इन्हें ये 20 रुपये वाली खिलौने वाली गाड़ी से ही फुर्सत नहीं है, ये ऐसी स्किन दे देते हैं साली बाइक की। तो ये मैंने डासिया से भी ड्राइव किया यहाँ पे इसी इन्हीं रिजेस पे, ये रियूंस से भी कुछ ख़तरनाक है क्योंकि रियूंस में भी ऐसे रिजेस नहीं है, रियूंस में भी कहीं भी ऐसे रिजेस नहीं है देखने को मिलेंगे आपको, और ये बेस्ट लगा मुझे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब आपको ना ही ज़्यादा स्पीड रखनी है बल्कि बूस्ट आपको नहीं करना है, स्पीड बूस्ट कहीं नहीं करना है, थोड़ा सा प्लेन सरफेस देखिए, अगर अगर लेंदी आपको प्लेन सरफेस दिखता है तो आप वहाँ पे आप फास्ट कर सकते हैं कार, लेकिन जो रिजेस वगैरह होते हैं जहाँ पे वहाँ पे आपको स्लो रखनी है कार, मतलब स्पीड बूस्ट नहीं करना है। स्पीड बूस्ट से क्या होता है कभी कभी ज़्यादा ऊंची जंप मार जाती है कार, कहीं अटक जाती है या पलट जाती है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, और अगर जोन आ रहा है तो आप जितना स्लो कर सकते हो उतनी स्लो चलाएं, जैसे आप यहाँ पर चढ़ नहीं पा रहे तो इसलिए मैं स्पीड बूस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कार स्लो ही है कंट्रोल्ड है। अब यहाँ पर स्लो कर दिया मैंने, स्पीड बूस्ट छोड़ दिया, अब यहाँ पे बगी के साथ हो, ये बगी जो है बेस्ट चलती है रियूंस वगैरह जैसे एरिया में, मतलब जितने भी ऊपर खबड़ गड्ढे जैसे रोड रहते हैं इंडिया जैसे, तो वहाँ पे बिल्कुल मस्त चलती है गाड़ी अपनी है क्योंकि इसमें शॉक एब्जॉर्ब इतने प्यारे शॉक बिल्कुल शॉकर्स लगे होते हैं, बिल्कुल ये ऑफ रोडिंग जैसी है तो बड़ी मस्त चलती है, आराम से चल जाती है ये, लेकिन ये भी कभी कभी गंदी फंस जाती है, तो इसे भी आप इजीली चला सकते हैं, इसे स्पीड बूस्ट पे भी चला ही सकते हैं, लेकिन हाँ ये स्पीड बूस्ट पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नहीं चलाएँ। देख सकते हैं आप UAZ ये भी चलाई है मैंने, यहाँ तक बूस्ट स्पीड बूस्ट दिया और यहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन के साथ चलाई क्योंकि ये बेस्ट है, नॉर्मल एक्सेलरेशन से ही चलाना चाहिए आपको गाड़ी ऐसी जगहों पे, मेन हाईवे वगैरह पे स्पीड बूस्ट कर लें, जंगल में स्पीड बूस्ट कर लें, लेकिन जहाँ भी ऐसी चीज़ें हैं तो आप नॉर्मल चलाएँ, एक तो फ्यूल भी कम जाएगा और दूसरा रिस्क भी कम हो जाएगा, मतलब गाड़ी डैमेज होने के, पलटने के, ठुकने के, क्योंकि गाड़ी ठुकते ही आप जानते हैं कि स्प्रे बंदे आजकल कितना सही देने लग गए हैं जायरो वगैरह की वजह से कि बंदे चलती गाड़ी से उतार ही देते हैं, तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि मतलब गाड़ी सही चले अपनी, कोई रश वगैरह करते टाइम के गाड़ी चलाने वाला बढ़िया बंदा हो। अब मैं अपनी स्क्वाड में गाड़ी ठीक ठाक ही चलाता हूँ लेकिन और बंदों से तो अच्छी चलाता हूँ, खैर और वगैरह मुझे गाली देते हैं कभी कभी, ठुक जाती है बंदों के सामने, मर मराए जाते हैं, लेकिन हाँ ये है जब भी मैं गाड़ी चलाता हूँ एक ना एक तो मरना तय है, भले ही सामने वाला है हमारे स्क्वाड का डेफिनेटली, लेकिन इतनी बुरी नहीं चलाता और उसे तो अच्छी चलाता हूँ। खैर अब देखो बाकी आप यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं व्हीकल की हैंडलिंग वगैरह जिस हिसाब से आप चला सकते हैं,
पूरा ट्रेनिंग मोड का आधा घंटे का होता है, थोड़ी भी देर भी अगर आपने मतलब नॉर्मल ट्रेनिंग करी, स्प्रे वगैरह देने की, दो राइड किसी भी व्हीकल को चूज़ करके चलाएं तो आपके लिए सफिशिएंट है। मतलब कोई भी, एक बार बगी चला ली, एक बार यूजर चला ली, अगले दिन डासिया चला ली, इन्हीं रेजेस पे, लेकिन किसी और रेजेस पे नहीं। तो भैया थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए, बाकी हम इसमें दिखा दिया कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। और ये आप खिलौने वाली मोटरसाइकिल देख सकते हैं, 20 रुपये की जो ठेलों में मिलती है वही है। बाकी आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही आगे वीडियो आपके तक पहुँचते रहें। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, थैंक यू।